शिव शंकर भगवान की। ने आपको चेंजिंग रूम भी बनाया गया, दो चेंजिंग रूम है फिलहाल। कितना ज्यादा कांवरियों का भीड़ है, कितना ज्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ है। आप सब गंगा जल ले जाने के लिए डिब्बा भी मिल जाएगा। टीम भी वॉश टावर है, ठीक ना, वॉश टावर इधर हो गया, एक वॉश टावर उधर हो गया, दो वॉश टावर एक यहाँ है सामने। तीसरा या चौथा सोमवारी से यहाँ ज्यादा रस होने लगता है। और ये है भाई प्रशासनिक शिविर, ठीक ना, मनियारी आप सभी कांवरियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेवा, हरे शंभु 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 महादेवा। अभी हम लोग गंगा नदी में हैं और गंगा नदी से आपको दिखा देते हैं कि अंदर में कितना ज्यादा पानी है। और सामने से आप देख सकते हैं बैरिकेड भी किया गया और वॉच टावर भी बनाया गया और सामने में एक महादेव की मूर्ति बनाई गई है जो कि काफ़ी भव्य लग रहा है। और इसमें लोग अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं और करता हुआ दिख रहा है। और वॉच टावर आप देख लीजिए जगह जगह पर भी बनाया गया, उसको भी अभी दिखाएंगे। और पानी का दृश्य आपको दिखा देते हैं कितना ज़्यादा पानी है इस गंगा नदी में। और मैं बात कर लूँ कि सावन के समय, तीसरा चौथा सावन में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है और यहाँ से लोग गंगा जल ले करके गोरखनाथ धाम में चढ़ाते हैं, ठीक ना। और ऐसे तो सुल्तानगंज में भाई बहुत ही ज़्यादा रस होता है और वहाँ तक तो जा नहीं सकते, लेकिन हमारे मनियारी में ही गंगा घाट पे लोग आते हैं। हाँ, लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं। चलिए हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक क्या, यहाँ तक अपना पानी जो है वो बैरिकेड लगाया गया और यहाँ तक अपना छाती तक जो पानी है वो आ रहा है। और सामने में आपको दिख रहा होगा कि शिव जी का मूर्ति, क्या भव्य लग रहा है, क्या शानदार लग रहा है। और इस पर रील भी आया होगा, आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर भी जाके प्यार एंड सपोर्ट दिखाइएगा। और वॉच टावर देख लीजिए भाई साहब, और क्या जबरदस्त ऐसा लगता है छोटू, बहुत मजा आता है। यहीं है घर? नहीं, घर मेरा बहुत दूर है। कहाँ से आया? अमोर, अमोर से। अच्छा चलो ठीक है, एंजॉय कर रहे हो ना। देखो भाई साहब बैरिकेड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इस बार का बैरिकेड ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बात कर लूँ कि इस बार का बैरिकेड पहले तो बांस से ही हरेक में कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ना आपको मच्छरदानी भी लगाया गया है जो कि मच्छरदानी से भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो चलिए भाई, और अगर मैं बात कर लूँ कि तीसरा और चौथा सोमवारी में यहाँ आपको पैर रखने का भी जगह नहीं मिलने वाला है, सारे में आपको कांवड़ियों की भीड़ रहेगी। इस कारण से आज हम आए, आप लोगों को कैसा व्यवस्था है वो दिखा रहे थे। देख लीजिए बैरिकेड दिख रहा है और वॉच टावर ऊपर है और यहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है, मतलब शिव जी की मूर्ति विराजमान है। और देख लीजिए क्या ज़बरदस्त मौसम लग रहा है भाई साहब। अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर चुके हैं और मैं बात करूं कि महादेव की महाकाल के कॉस्ट्यूम में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं सामने आपको चेंजिंग रूम भी बनाया गया, दो चेंजिंग रूम है फिलहाल लेडीज़ के लिए। और सामने चलिए शिव जी है और एक डुबकी लगाने का मन कर रहा है भाई, जाने का मन ही नहीं कर रहा। एकदम ठंडा ठंडा पानी जो है ना, गजब मज़ा आ रहा है नहाने में भी। और लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने आते हैं, हम तो कटिहार से ही आए हैं तो सोचे कि स्नान भी कर लें, आप लोगों को एक अपडेट भी दे देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जैसे आप यहाँ से आइएगा ना तो आपको दो स्टेप वेल दिखेगा, दो यानी दो सीढ़ी दिखेगा, उसके बाद आप गंगा नदी में आराम से प्रवेश धीरे धीरे कर जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत तो आते हैं भाई साहब आराम से आ जाते हैं जो कि लोकल रहते हैं, लेकिन जो बाहर के होते हैं तो वो उनको तो पता रहता नहीं है कि कैसे आना रहता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ज़्यादा कांवड़ियों का भीड़ है, कितना ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ है, आप सामने देख सकते हैं। शंभु महादेव, शंभु 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 महादेव, शंभु। यहाँ सामने आपको देख रहे हैं महाकाल, महादेव जी विराजमान दिख रहे हैं। और ये गंगा नदी का मनियारी घाट का एक नया अपडेट है जो कि आप लोगों को दिखाने आए थे। और भैया
भैया लोग भी बहुत ही मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और दर्शन करने आए हैं, गंगा स्नान करने आए हैं। और फिर यहाँ से कहाँ निकले, कहाँ से आए हैं? फारबिसगंज से आए हैं। फारबिसगंज से पूरे फैमिली आए हैं? बॉर्डर से आए, नेपाल बॉर्डर। अच्छा, नेपाल बॉर्डर से। देख लीजिए भैया लोग आए नेपाल बॉर्डर से। भाई मैं मतलब बात करूँ ना, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पे मतलब गंगा जल उठाते हैं। बहुत सारे शिवलिंग में जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ धाम में। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से ना, यहाँ का जो गंगा जल है, यहाँ का शुद्ध है और यहाँ का गंगा जल अयोध्या का जो चरण स्पर्श जो राम मंदिर बना था उनका चरण जो धोया गया ना, यहाँ के गंगा जल से ही धोया गया था। और मुझे मौका नहीं मिला था कि बताने का, तो आप लोग को बता दिए और काफ़ी ज़्यादा भयंकर रहता है। चलिए चलते हैं हम लोग भी, यहाँ से निकलते हैं। लोग स्नान करके तैयार हो गए थे और आप इधर देख सकते हैं चेंजिंग रूम भी है, दो चेंजिंग रूम बनाया गया और यहाँ पर आपको पूजा का जितना भी होगा अगरबत्ती सलाई सिंदूर सारा कुछ मिल जाएगा। देख सकते हैं दुकान है और जैसे जैसे पानी भरता ना भैया लोग ऊपर भी लगा देते हैं। अभी मार्केट टूर देते हैं, मार्केट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ऐसे आपको गंगा जल ले जाने के लिए डिब्बा भी मिल जाएगा, ठीक ना, तरह तरह का आपको शिवलिंग मिल जाएंगे और माला रुद्राक्ष भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और नगर निगम से कुछ किया गया इस घाट पे, इंतजाम क्या क्या किया गया वो दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर आपको आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है, ठीक ना। सीसीटीवी हर एक जगह लगाया गया और सामने दिख रहा होगा सीसीटीवी। और इधर सारा कुछ आपको मिल जाएगा, कैसे डिब्बा उब्बा पानी उनी लेने के लिए। और वॉच टावर जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर भी वॉच टावर है, ठीक ना। वॉच टावर इधर हो गया, एक वॉच टावर उधर हो गया, दो वॉच टावर, एक यहाँ है सामने वॉच टावर है और एक वॉच टावर उधर है, जो कि लोगों को यहाँ से पुलिसकर्मी यहाँ पर नगर निगम के जो भी हों यहाँ से लोगों पर नज़र रख सके, ठीक ना। और इधर आपको खाने पीने का और इधर बैरिगेट, अगर मैं इधर चलूँ तो इधर आपको बैरिगेट दिखा देता हूँ कि कितना दिखने वाला है। और ये शर्ट कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो दो दिन के बाद भी तीसरा या चौथा सोमवार से यहाँ ज़्यादा रस होने लगता है और वो सारा वीडियो भी आएगा। जैसे यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में आप लोग, और आप बैरिकेड देख लीजिए बैरिकेड किस तरह से किया गया। और इस बार ना मतलब पूरा बैरिकेड भी किया गया है और ऊपर से मच्छरदानी भी दिया गया। पहले लोग बंबू को छड़प के उस पार चले जाते थे और जगह जगह पर चेंजिंग रूम भी बनाया गया। आप देख सकते हैं चेंजिंग रूम यहाँ पर भी दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, वो दो वहाँ पर है। और इसको इसमें व्हील भी है, इसको घर का के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और उधर भी टेंट उंट है, वो उधर भी चलिए दिखाते हैं। देख लीजिए चेंजिंग रूम किस प्रकार सा, एक आप इसमें आराम से चेंज उंज भी कर सकते हैं। देख लीजिए चेंजिंग रूम इस प्रकार से टीना का चौड़ा वगैरह से घिरा गया, एक गेट लगा गया और आपको मिल जाएगा दुकान उकान डिब्बा शादी उर्शादी का सारा सामान मिल जाएगा। और इधर खाने पीने का इधर भी सामान है और इधर भी खाने पीने का है। तो चलिए चलते हैं इधर, शौचालय भी वहाँ पर दिख रहा है कि शौचालय भी बनाया गया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलिएगा उससे निकल जाएगा और वहाँ पर देखिए प्रशासनिक शिविर मनियारी का, ठीक ना, वहाँ पर बनाया गया। और इसमें भी लोग, मैं बात करूँ कि जब तीसरा और चौथा सोमवारी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रस हो जाती है, ठीक ना। और आप देख सकते हैं आप सभी कांवरियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। चलिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर अभी तो कोई मतलब प्रशासनिक नहीं है लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस होने वाला है। ये है भाई प्रशासनिक शिविर, ठीक ना, मनियारी आप सभी कांवड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। अब देख लीजिए यहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे और सुरक्षाकर्मी रहेंगे यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। और श्रावण माह में मनियारी तट पे आए हुए सभी विद्यालयों का हार्दिक अभिनंदन करती है यहाँ पर। और इधर से आपको दिख जाएगा
कि पूरा एकदम यहाँ से आपको मतलब जाने उने का दिख जाएगा और घाट उट दिख जाएगा। और यहाँ पर मंदिर भी है, ठीक ना, मंदिर भी चलेंगे। उससे पहले इधर चलते हैं, इधर दिखा देते हैं और पूजा का सामग्री जो है सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बेलपत्र, फूल, मुकुंदाना, सारा कुछ मिलने वाला है। और दुकानें कह सकते हैं ये हमेशा यहाँ दुकान सजी रहती है। और मनियारी घाट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि मैं बात करूँ पहले ये सभी टाइलें यहाँ पर नहीं लगाई रहती थी। पहले भाई साहब की कादा कीचड़ बहुत ज़्यादा होता था, आने में परेशानी होती थी, और अब नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसा रोड देख करके किसको परेशानी होगा। और इधर आपको एक लाइन से खाने पीने का मिल जाएगा, जैसे कि झालमुड़ी हो गया, पूड़ी सब्जी हो गया, चावल दाल, सारा कुछ हो गया। और नगर निगम से तरफ से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और आपको इधर देखिए चूड़ी का सामान, पूजा का सामान, डिब्बा में तो हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मनियारी में जैसे ही जाइएगा स्नान करने, तो यहाँ एक बैठक बना गया, लोग यहाँ पर आके हैं, स्नान उस्नान करते हैं, बैठते हैं, और हमारा हेमंत वहाँ पर बैठा हुआ है, देख लीजिए, ठीक ना, सामान की रक्षा कर रहा है। और यहाँ बैठक तो अच्छा नगर निगम के द्वारा तरफ से बनाया गया, बैठक भी बनाया गया। और मौसम अभी बहुत ही अच्छा हो गया भाई साहब, मैं बात करूँ कि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। और यहाँ से लंच वंच खुलती है, ठीक ना, और जगह जगह पर CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वहाँ पर पोल में लगाया गया, आगे भी था। और आगे एक मंदिर है, लोग यहाँ पे जल अर्पण करते हैं और यहाँ से गोरखनाथ धाम पे जल को चढ़ाते हैं। और यहाँ से गोरखनाथ धाम भी चला जाता है, बाबा बैजनाथ धाम भी लेके लोग जल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं चाहूँ कि डेवलप एरिया होता चला जा रहा। दोस्तों अगर बात करूं, हेमंत कैसा लग रहा है मनियारी घाट में, चेंजेस कुछ नजर आया? बहुत ज्यादा चेंजेस है, सारा सीढ़ी बन गया पक्का का एकदम पूरा। हाँ, बहुत अच्छा था। और बोल, सावन के दिन में जैसे कांवड़िया आते हैं कटिहार से बहुत दूर दूर से, तो उसके लिए कैसा कैसा इंतजाम किया गया? सारा इंतजाम किया हुआ, पूरा पंडाल बना हुआ है। हाँ। बैठने के लिए, आराम करने के लिए पूरा जगह बना हुआ है। हाँ। वस्त्र चेंज करने के लिए भी महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है कंटेनर। हाँ। और वॉच टावर भी देखा? हाँ, वॉच टावर भी आपको, लाइट वगैरह का पूरा इंतजाम किया गया है। और ये बिल्कुल एक नया है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं क्या, तो चलिए भाई साहब ये इस जगह दिखाते हैं। और ये देखिए गजब का दृश्य लग रहा है, ये आपको ना लगभग मैं बात करूँ कि आते हैं यहाँ पर छोटी अम्बा आती है यहीं से निकलती है, और यहाँ से क्या व्यू नज़र आ रहा है आप देख लीजिए, गजब का भाई साहब व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पर इनको इसको ना सेट किया गया, और रील में बहुत ही वायरल चल रहा था, ये चल रहा था ना भाई साहब, रील में बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था ना, तो ये हम लोग सोचे थे कहाँ है नहीं है, बहुत लोग बोल रहे थे कि हर जगह है। और लंच घाट जो है आपको उस तरफ दिखेगा, ठीक ना, नाव का भी उधर ही दिखेगा। और भैया यहीं के हैं, कहाँ के आए हैं? हम भी यहाँ के नहीं हैं, उधर हरियरपुर कटिहार के आगे हैं। अच्छा, कटिहार से आगे आए, घूमने आए हैं क्या? हाँ, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगा मनियारी? अच्छा लगा। और ये मंदिर में लोग आते हैं जल चढ़ाते हैं, ठीक ना, देख लीजिए शिवलिंग आपको सामने दिख रहा है ना, ठीक ना, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं लोग, सभी को इनमें पूजा अर्चना करते हैं, सामने घंटा है और दान पेटी, कुछ यहीं पर जल उल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर भी आप जाइएगा ना, तो इधर भी आपको पूजा अर्चना का सामान सारा कुछ मिल जाएगा, डिब्बा ढकिया सारा कुछ मिल जाएगा, होटल भी है, ठीक ना। और इधर है, चलिए चलते हैं हम लोग, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।